A very good morning to all students. I hope you all are fit and fine and doing well at your home. Let's start our today's assignment number 9 by taking a pledge. I am Manpreet Kaur, commit to be vigilant and wear in mind at all the times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Okay, students. Now let's start today's assignment. In this assignment, we learn how to write cursive F. Okay, bachche. First of all, you have to start from this dot and draw a, पहले आपने ऐसे कर्व करनी है, ठीक है? फिर इसको ऊपर ले जाना है, ऐसे एस बना देना है ऐसे आपने, ठीक है? फिर आपने एक स्लांटिंग लाइन लगा के इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ देना है. ओके बच्चे, देन अ स्लीपिंग लाइन, ये बन गया एफ, ठीक है, कैपिटल वाला. और इसके बाद आपने क्या है, यहाँ से एक स्लांट लगानी है ऐसे, ठीक है, यहाँ से ज्वाइन करके फिर इसको पीछे ले जाके इसको यहाँ पे ऐसे स्टैंडिंग लाइन, रेड लाइन तक, और इसको यहाँ पे आपने ऐसे मोड़ देना है, ठीक है बच्चे? कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसे बनाना है, कर्व बनानी है, स्लांटिंग लाइन लगानी है, स्लीपिंग लाइन लगानी है, उसके बाद एक स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन पीछे की तरफ, और यहाँ से यहाँ तक आपने इसको मोड़ देना है, ठीक है बच्चे? अगेन, ठीक है, इसको ऐसे करके आपने ऐसे लिखना, ठीक है बच्चे? डॉट से आपको ऐसे कर्व बनानी है, फिर आपने इसको स्लांटिंग लाइन को ऐसे थोड़ा सा कर्व करके स्लीपिंग लाइन लगा देनी है, एफ बन गया. उसके बाद ऐसे करके स्लांटिंग लाइन, देन थोड़ा पीछे जाके स्टैंडिंग लाइन, एंड देन कर्व फ्रॉम हियर, ठीक है बच्चे? थोड़ा सा टफ है, बट थोड़े दिन आप करोगे ना प्रैक्टिस इसकी, तो प्रॉपरली आपको आ जाएगा, ठीक है? ऐसे, फिर इसको ऐसे, ठीक है? ट्राई करना है, आपने स्टैंडिंग लाइन नहीं लगानी, स्लांटिंग लाइन्स लगानी है, ठीक है? यहाँ पे कैपिटल वाले में ऐसे करो, ठीक है बच्चे? You have to write it like this. Okay? जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी जल्दी आ जाएगा, ठीक है? Okay, very good. Now we will read E sound words. Open your English phonics sound book, page number 30. Okay, बच्चे? Phonic sound. Today we will do phonic sound E. Okay, what is the sound of E? A. A. What is the sound of E? A. A. G. Egg. Yeah. B. E. G. Bag. B. Egg. Bag. Okay. K. E. G. Keg. Okay, बच्चे. B E G bag, b egg bag. Bag मतलब क्या होता है, भीख मांगना, ठीक है? B egg bag. K E G keg, K E G keg. Keg क्या होता है बच्चे, लकड़ी का बना हुआ होता है, ड्रम टाइप होता है, ठीक है, इसको कहते हैं keg. L E G leg, L egg leg, this is your leg. P E G peg, पैग क्या होता है, जो हमारी जो किल्ली होती है ना, यहाँ पर हम कुछ हैंग करते हैं उसको बोलते हैं कैग. बी ई जी बैग, ब एग बैग, क एग कैग, ल एग लैग, प एग पैग. ओके, नेक्स्ट है एन एन, द एन डैन, ह एन हैन, म एन मैन, त एन थैन. अगेन, द एन डैन, डैन क्या होता है, डैन होता है जो गुफा होती है, ठीक है?
जहाँ पर लॉयन रहता है ना उसको बोलते हैं डेन, द एन डेन, एन हैन, ये क्या है हैन, म एन मैन, ये है मैन, जो आदमी होते हैं उनको मैन कहते हैं, द एन टेन, ये है टेन, ठीक है, डी एन डेन, द एन डेन, एच एन हैन, एन हैन, एम ई एन मैन, म एन मैन, टी एन टेन, ट एन टेन। ओके बच्चे, रिवाइज दिस एंड नेक्स्ट पेज वी विल डू इन आर नेक्स्ट असाइनमेंट। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।